हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं होली स्वेता तैन, आप देख रहे हैं एंटरटेनमेंट की बात, जहां पर हम देते हैं एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले। और इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट लाइक टीवी हिंदी सीरियल्स ऑफ दिस वीक। मार्च 7 से मार्च 13 तक कौन से टीवी शो सबसे ज़्यादा पसंद किया गया हिंदी सीरियल्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक एक करके। और हम टॉप 10 टीवी शोज की हम बात करेंगे एक एक करके। बात करते हैं सभी सीरियल्स की। नंबर 10 के पोजीशन पर है नागिन सीजन 6, जिसको पॉइंट्स मिला है 58। नागिन सीजन 6 का जो पोजीशन है वो नीचे आ चुका है। पहले नंबर 7 के पोजीशन पर था और इस बार नंबर 10 के पोजीशन पर आ चुका है। नंबर 9 के पोजीशन की हम बात करें, वहाँ पर है इमली, जिसको पॉइंट्स मिला है 58। लास्ट वीक जो इमली है वो नंबर 8 के पोजीशन पर था और इस बार नंबर 9 के पोजीशन पर आ चुका है। आगे हम बात करें गुम है किसके प्यार में है नंबर 8 के पोजीशन पर और उसको पॉइंट्स मिला है 58। जो गुम है किसके प्यार में, इमली और नागिन 6, इन तीनों को मिला है 58 की पॉइंट्स। अभी हम बात करेंगे नंबर 7 की, जिसमें है एक रियलिटी शो जिसका नाम है इंडियाज गॉट टैलेंट, जो सोनी टीवी पर देखने को मिलता है और जो पॉइंट्स मिला है वो है 59। तो इंडियाज गॉट टैलेंट की न्यू एंट्री हुई है मोस्ट लाइक टीवी शोज में। और हम बात करें टॉप 6 में, जहाँ पर है कुंडली भाग्य, जिसका जो पॉइंट्स मिला है वो है 60। आगे हम बात करें नंबर 5 की, नंबर 5 के पोजिशन पर है कुमकुम भाग्य, जिसको पॉइंट्स मिला है 61। जो कुमकुम भाग्य की जो स्टोरी है वो अभी बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, ऑडियंस भी बहुत पसंद कर रहे हैं। अभी हम बात करेंगे टॉप 4 की, वहाँ पर है ए रिश्ता क्या कहलाता है, जिसको पॉइंट्स मिला है 65। जो ए रिश्ता कहलाता है वो लॉन्गेस्ट रनिंग टीवी शो है, तो ऑडियंस को बहुत पसंद आता है इसकी कहानी। अभी 3rd जनरेशन की कहानी दिखाई जा रही है, ऑडियंस को बहुत पसंद आ रहा है। अभी हम बात करेंगे टॉप 3 की, जो टॉप 3 में है वहाँ पर है द कपिल शर्मा शो, जो एक कॉमेडी शो है, ऑडियंस को बहुत पसंद आता है शो और इसको पॉइंट्स मिला है 69। अभी हम बात करेंगे नंबर 2 के पोजीशन पर, वहाँ पर है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जो ऑडियंस को बहुत सालों से एंटरटेन कर रहा है और ऑडियंस को बहुत पसंद है ये सीरियल और इसको पॉइंट्स मिला है 70। अभी हम बात करेंगे नंबर 1 सीरियल की, जिसने कर दिया है सभी को पीछे, और वो सीरियल है अनुपमा, जिसको पॉइंट्स मिला है 72। अभी हम देखें जो अनुपमा सीरियल है वो शुरुआत से ही टीआरपी में धमाल मचा रहा है। बार्क की टीआरपी में हमेशा ही नंबर 1 के पोजीशन पर ही रहता है और जो ऑनलाइन टीआरपी में भी नंबर 1 के पोजीशन पर ही रहता है और जो मोस्ट लाइक टीवी हिंदी सीरियल्स में भी नंबर 1 के पोजीशन पर कायम है अनुपमा, जिसको पॉइंट मिला है 72। अभी हम बात करें इस जो लिस्ट में, जो नागिन 6 है वो नीचे लुढ़क चुकी है और जो ऑनलाइन टीआरपी में भी जो नागिन 6 का जो पायदान है वो नीचे आ चुका है। तो देखते हैं आने वाले वीक में क्या नागिन 6 ऊपर आएगा और क्या अनुपमा ऐसे ही नंबर 1 के पोजीशन पर ही रहेगा या तारक मेहता का उल्टा चश्मा नंबर 1 के पोजीशन पर आएगा। अगर वीडियो देखने में अच्छा लगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे नए नए अपडेट्स के लिए, और देखते रहिए एंटरटेनमेंट की बात।